Hey guys, what's up? I hope that you all are fine. Welcome back to my channel. So happy Diwali guys and welcome to my Diwali vlog. So ये vlog मैं बहुत ही ज़्यादा late से start कर रहा हूँ. सुबह मैं दिवाली decoration कर रहा था and दिवाली decoration मैं इस video में नहीं दिखाऊँगा. दिवाली room makeover का video आ रहा है, उस video में आप लोगों को दिख जाएगा जो भी दिवाली का decoration किया मैंने. and इस साल जो मैंने decoration किया दिवाली के लिए, that is very beautiful. तो आप लोग ज़रूर देखना, I think एक दिन या दो दिन बाद आ जाएगा वो video. सो बिल्कुल भी मिस मत करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी वो वीडियो आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा. सो आप लोग एंजॉय करो दिवाली व्लॉग. एंड वैसे दिवाली तो इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ इस साल. लाइक घर में अच्छा डेकोरेशन हुआ एंड स्वीट्स भी मैंने बहुत ज़्यादा खाया, बट लाइक बाहर कहीं नहीं गए हम लोग. एंड कल से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ. लाइक कल तो मैंने कोई भी फायर क्रैकर्स नहीं जलाए, आज मैं थोड़े बहुत जलाऊंगा. एंड वैसे दिवाली पर मुझे नॉइजी एक्सप्लोसिव इतना ज़्यादा नॉइजी फायर क्रैकर्स फटाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो थोड़े बहुत मैं फटाऊंगा. एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि दिवाली के दिन आपको क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. मुझे तो डेकोरेशन करना एंड लाइक रंगोली मैं आप लोगों को दिखा दूँगा. ओके दैट्स फाइन, बट बाकी का सब डेकोरेशन मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोग दिवाली रूम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जो आएगा उसमें देख सकते हैं. सो अभी चलो बाहर चलते हैं. वैसे दिवाली में मुझे इतने ज़्यादा फायर क्रैकर्स फटाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो लेट्स गो आउटसाइड. सो गाइस ये है रंगोली. एंड ये रंगोली सिर्फ मैंने नहीं बनाया है, मैंने और मेरे सिस्टर ने मिलकर बनाया है. ज़्यादा काम तो मेरे दीदी ने ही किया था एक्चुअली. सो लाइक इतना सुंदर रंगोली नहीं बना, लाइक जितना आता था उतना ही किया मैंने. मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा रंगोली बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने स्टेंसिल्स का यूज़ किया था. एंड लाइक इतना अच्छा नहीं बना, बहुत ज़्यादा ट्राई किया था मैंने एक्चुअली रंगोली बनाने के लिए. एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये रंगोली बनाने के लिए, ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लग ही गए थे. एंड ये है पर्पल कलर. वैसे रंगोली में टोटल 7 कलर्स लाए थे हम लोगों ने एंड पर्पल कलर नहीं था वो, मैंने एक्चुअली रेड और ब्लू कलर मिक्स करके पर्पल बनाया था. सो ये है रंगोली, इट इज़ कंप्लीटेड. एंड आई नो इतना ज़्यादा भी सुंदर नहीं हुआ. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा. फायर क्रैकर्स जलाने के लिए एंड मुझे फायर क्रैकर्स जलाना वैसे इतना अच्छा नहीं लगता, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को. लाइक सिर्फ 2 या 3 ही जलाऊँगा मैं. मेरे फैमिली मेम्बर्स ने तो बहुत सारे फायर क्रैकर्स जला लिए, अभी मैं भी एक जलाता हूँ. सो मैं एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा फायर क्रैकर जला रहा हूँ एक्चुअली. बहुत ज़्यादा देर तक जल रहा था ये फायर क्रैकर. सो अभी मैं बाहर आया हूँ, देखते हैं बाहर लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली. एंड इस साल हर घर में ही दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है. लाइक लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर भी हम लोग इसी एरिया में थे, बट इस साल सभी लोग ही दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड हम लोगों का पूरा घर भी बहुत सुंदर से सजाया. आओ देखते हैं क्या है. ये दिवाली गिफ्ट है मेरा, मुझे तो लग रहा है चॉकलेट है. यस गाइस, इसके अंदर चॉकलेट ही है. दिस इज़ फेरेरो रॉचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चॉकलेट होता है. एंड इसका प्राइस अराउंड 150 या 200 रुपीज़ था. टोटल 4 पीसेस थे इसके अंदर एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. आई थिंक हेजल नट है इसका. A few moments later. अभी डिनर टाइम है एंड दिवाली सेलिब्रेशन के बाद हम लोग आए हैं KFC में. एंड
ये फूड जॉइंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद हम लोग KFC में आए हैं। सो मुझे तो जिंगर बर्गर खाना है। दैट्स माई फेवरेट फूड आइटम ऑफ KFC। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो कमेंट। बाय बाय।